सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम वापस से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, पिछले एपिसोड में गाइस हमने थोड़ा मैक्स वैक्स कर दिया था और गाइस ये कार भी खरीद ली थी जेडआर के में। गाइस आज हम बस ज़्यादा कुछ नहीं, नए अपडेट एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सोफा वोफा भी खरीद लिया था, ये एक नई कार भी। और गाइस इतने सारे पैसे, आप सोच रहे होंगे कहाँ से आए ये कार, कहाँ से आई। मैं आप वीडियो के आगे बढ़िए, मैं आपको सब बताता हूँ। तो चलते हैं, ये हमारे पास पहला गैराज आ चुका है जो अभी तो फ़िलहाल नहीं खोल सकता, ये हमें एक्सपी से खोलना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस एक्सपी से हमें इन्हें खोलना पड़ेगा। 600 एक्सपी पे हमें पहला गैराज मिलेगा, 900 पे हमें दूसरा, और तीसरे के लिए 1200 एक्सपी लगेगी। चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर, देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नहीं आए हैं। और यहाँ पे ये तो गाइस पिछले भी अपडेट में था, पेट्रोल पंप। यहाँ से हम और एक और चीज़ है इसमें, अब हल्का सा भी डैमेज भी यहाँ पे पॉइंट जुड़ता है गाइस, हल्का सा भी डैमेज। और गाइस ये पेट्रोल पंप तो पहले से ही था, ये तो अभी खुल ही नहीं रहा है। और देखते हैं और क्या नई चीज़ें आई हैं। और थोड़ा सा मैप भी बड़ा कर दिया गया है। और आगे तो गाइस चल रहे हैं, यहाँ पे तो ऑक्शन है, ऑक्शन तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे हम अपनी नई नई कार बोली लगाते हैं। और आगे गाइस एक और गैराज आ चुका है, दूसरा गैराज भी आ चुका है, ये यहाँ पे है। ये वाला भी गैराज हमें 900 एक्सपी पे मिल जाएगा। अगर हमारी 900 एक्सपी हो जाती है तो हमें ये दूसरा वाला गैराज मिल जाएगा। और फिर इसी के आगे हमारा आ जाता है नेबर रूट। तो गाइस देखते हैं नेबर रूट में क्या चेंजेस हुए हैं, चलते हैं घुसते हैं नेबर रूट के अंदर। ये बड़ी सी बिल्डिंग गाइस ये भी एक आ चुकी है यहाँ पे, इसी को देखने आज चलने वाले नेबर रूट के अंदर। और गाइस पहुंचने वाले आगे से, बस ज़्यादा नहीं आगे से, बस लेफ्ट लेना है। और आ चुके गाइस, ये तीसरा गैराज है जो हमें 1200 एक्सपी पे मिलने वाला है, और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस हुए। देखते हैं और क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ। नेबर रूट में तो अभी कुछ नहीं है। और इस गाड़ी का इंटीरियर भी मस्त लग रहा है। ओ बातों में मैं ज़्यादा आगे आ गया, कोई ना। ये गाड़ी में अब गाइस हल्का सा भी डैमेज होता है तो वो शो करने लगता है कि हाँ आपकी गाड़ी इतनी डैमेज हो चुकी है। देखा गाइस ब्रेक बस लगाया, डैमेज होने लगा। और गाइस अब से मैं ऑफिस पर नहीं सोया करूँगा, यहाँ पे मेरा पर्सनल कंटेनर आ चुका है, जैसे रियल कार फॉर सेल सिमुलेटर में रहता है। ये कंटेनर ओपन करो, यहीं पर सो जाओ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस कंटेनर को अपग्रेड कहाँ से करना है। अपग्रेड करने के लिए कहीं से दिख ही नहीं रहा है मेरे को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर गाइस कुछ पता चले तो गाइस बताना। और अपग्रेड वगैरह करने के लिए तो कहीं से पता भी नहीं चल रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और गाइस एक बार ही आप सोचो, इसी कंटेनर के अंदर मेरा दिन और रात होती है। इस कंटेनर का मालिक गाइस ये मैकलैरन की गाड़ी से चलता है, देख सकते हो कंटेनर और मैकलैरन की गाड़ी। और गाइज आगे तो हमें एक और चीज़ दिख गई है सामने गाइज, अपने पास है गैस स्टेशन, तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी भी धुला सकता हूँ गाइज, बगल में गाड़ी धुलने का। अरे अंदर चल चढ़। और गाइज मेरी गाड़ी लगता है फंस चुकी है, अभी तक तो नहीं हिल रही, हिल जा गाइज। अपनी मैकलैरन गाइज फंस चुकी है, देखते हैं कैसे निकलती है। चलो कोई नहीं, से टो करा देता हूँ सीधा, फिर वापस जाना पड़ेगा। मैं देखते हैं निकलती है तो ठीक है, नहीं तो इसे सीधा टो कराते हैं और चलते हैं बस से, फिर वापस इसी को लेके आएंगे। गाइस अपने बगल पे ही है, चलते हैं बस स्टैंड और चलते हैं सीधा ऑफिस। ऑफिस पे गाइस चलते हैं सीधा ऑफिस। तो ऑफिस तो आ गए हैं और देखते हैं अपनी मैकलैरन कहाँ गई। ओ वो वहाँ पे टो तो हो गई है। और ये दो गाड़ी पता नहीं कब खरीदा कब नहीं, इससे नहीं मैकलैरन को लेके चलते हैं, भगाते हैं सीधा। अब हमें लेफ्ट वाला ही बस एक्सप्लोर करना था, गैस स्टेशन, जिसे अपनी गाड़ी धुलानी है मेरे को, थोड़ी सी वैसे गंदी हो रखी है। और गाइस इसमें का एक स्पेशल फीचर वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और गाइस यहाँ पे कार मार्केट प्लेस वो अभी बंद हो रखा है। और गाइस चलते हैं आगे। गाइस यहाँ पे आ चुका है अपना बियर गाइस दारू अड्डा, अपना देसी पौआ अड्डा। यहाँ उतरते हैं, देखते हैं अंदर। पिछली बार भी था ये अपडेट पे, पर इसमें चढ़ती वढ़ती एक भी नहीं थी। हाँ भैया बियर दे दो, हमें दो तीन तो गाइस ख़रीद लिया, 10 रुपए की तो एक तो ये बियर बेच रहा है, $10 की। चलते हैं गाइस एक गांजा फूक के हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं।
और पता नहीं ये थोड़ा थोड़ा क्यों पीता है, एक बार एक सांस में पूरी घटक जाया करे, आधा तो पी लिया है और पीते हैं भाई, अभी तक तो एक भी नशा नहीं चढ़ा, और पीते हैं, देखते हैं पूरी बोतल खाली करने में चढ़ता है या नहीं। गाइस मुझे कुछ नहीं हुआ है, गाइस ये गांजा बेकार है, इस ये यहाँ की इस दुकान की गांजा वांजा ना लिया करिए, कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं देता। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बचा था। हाँ गाइस मैं बात कर रहा था गैस स्टेशन की, तो गाइस गैस स्टेशन पे आप बस अपनी कार वॉश कर सकते हैं, और तो अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है। चढ़ाते हैं इसे और सीधा करते हैं वॉश। गाइस बैग ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे चली गई, और गाड़ी को धुला देते हैं। गाइस $51 ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने में कुछ नहीं हो जाएगा। उतरते हैं और कार वॉश के लिए पे कर देते हैं। गाइस पे भी हो गई है और गाड़ी धुलना स्टार्ट। गाइस गाड़ी भी धुल चुकी है और बैठते हैं और वापस से चलते हैं। गाइस और गाइस मैं जो बात कर रहा था इस पे आ चुका है गाइस ड्रैग रेस। गाइस आप सबको मैं बताने वाला था, ये जो इतने सारे गाइस मैंने पैसे कमाए ये सब ड्रैग रेस से ही मैंने कमाए हैं। चलते हैं ऑफिस पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितने की। और गाइस ये भागती बहुत कम है, इससे बढ़िया तो मैंने एक कार खरीदी थी 9000 कुछ में, वो ज़्यादा अच्छी भागती है इससे। और ये पता नहीं 24-30 लाख की मैंने खरीदी थी इसको भी, पर इससे बढ़िया वो वाली कार भागती है इसे। गाइस चलते हैं जल्दी से भगा के ले चलते हैं और करते हैं एक दो ड्रैग रेस। गाइस ड्रैग रेस से पहले और चलते हैं गाइस इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कराते हैं, डैमेज बहुत हो चुकी है, लात घूसे खा के आई है ये, और देखते हैं इसमें और क्या क्या मॉडिफाई करा सकते हैं। मैंने पहले इसे तो करा रखी, पहले ब्लैक कराई थी और अब ओ ठुकी, एक तो ब्रेक भी इसके नहीं लग रहे, पता नहीं ब्रेक कहाँ बनेंगे। कोई और दुकान है नहीं कि ब्रेक बनवा लें इस पर, बस कलर चेंज कराओ और तो कुछ होगा नहीं इसके पास। हाँ ये भैया बताओ कहाँ गए भैया, हेलो। हाँ देखते हैं गाइस रिपेयरिंग तो कर दी, कलर कौन सा करेगा इस, कलर सजेस्ट करना गाइस कमेंट पर। रेड भी मस्त लग रहा है, येल्लो गाइस मतलब येल्लो करा देते हैं अभी के लिए येल्लो, फिर बात का बाद में देखा जाएगा। गाइस येल्लो में एक बार ही देखो तो क्या मस्त लग रही है। वापस से बैठते हैं और चलते हैं, इसे बाहर निकाल के यहीं कहीं फेंक देता हूँ। और ये गाइस जो ट्रक पे गाड़ी लोड है ना गाइस, इसी से करते हैं अपनी ड्रैग रेस। और यहाँ कोने पे भी एक चीज़ है, इसमें कूड़ा इकट्ठा करो तो हमें एक एक एक्सपी मिलती है, और इस बंदे को जाके दे दो तो हमें ये कुछ पैसे भी दे देता है। यहाँ पे भी एक कूड़ा इसे भी उठा के फेंक देते हैं इसके मुँह पे। हाँ जी और आप आ गए गाइस अपनी फाइनल लास्ट, गाइस यहाँ पे हो रही है अपनी ड्रैग रेस, देखते हैं कितने की लगाते हैं। गाइस मैक्सिमम स्टार्टिंग 5000 से और एंड गाइस 80000, हमने गाइस 80000 की पहली रेस स्टार्ट कर दी है। और गाइस यहाँ पे हमारे सामने पहली लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, और वर्सेस BVM जिसे हम BMW भी कहते हैं इस। और गाइस पहली रेस स्टार्ट होती हुई, गियर अप गाइस दूसरा गियर, और गाइस लैम्बोर्गिनी को कर दिया पीछे, 80 की पहुंच चुकी है तीसरे गियर, और चौथा और पहली रेस हम लोग जीतते हुए। गाइस पहली रेस हम लोग जीत चुके हैं, लैम्बोर्गिनी हार चुकी है, पूरी मुंह पे बेइज्जती हो चुकी है। दूसरी रेस भी स्टार्ट कर दी है और देखते हैं आगे क्या होता है, इस वाली रेस पे जीतते हैं नहीं जीतते हैं। सामने गाइस दोनों सेम कार है, अब प्लेयर का अंतर है वो बस मैं ही जीत सकता हूँ, वो और उसके बस की बात है नहीं। गाइस दूसरा गेयर तीसरा गेयर बेस्ट शिफ्टिंग, और गाइस चौथे गेयर पे हम लोग जीत जाएंगे। और गाइस हम लोग ये वाली रेस भी जीत चुके हैं, चलते हैं तीसरी रेस पे। गाइस दो रेस तो कर लिए और तीसरी रेस करने आई है हमसे लैम्बोर्गिनी, इसकी भी गाइस वैसी ही बेइज्जती करेंगे जैसे पहले वाले से की थी। 3-2-1 लेट्स स्टार्ट। गाइस स्टार्ट हो चुकी है लैम्बोर्गिनी का पिकअप, नहीं हमारी गाड़ी का बन चुका है, तीसरी गियर जा चुका है, और गाइस चौथे पे हम जीत जाएंगे और जीत गए, बस हो गया। लैम्बोर्गिनी कहाँ गई कहाँ नहीं कुछ पता नहीं उसका। और गाइस ये वाली रेस भी जीत चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट रेस पर। और गाइस दोनों गाड़ी रेडी हैं, आ गई हैं मेन ऑफिस पर। 3-2-1 गो। गाइस रेस स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक वो गाड़ी एक भी पिकअप नहीं बनाई, हम दूसरे गियर पे आ चुके तीसरे, और गाइस
एक बेर और हम जीतने वाले हैं। बस गाइज गाइज एक रेस और जीत गए, चलते हैं गाइज नेक्स्ट रेस पर। गाइज तीन रेस लगातार जीत चुके हैं, हैट्रिक लग चुकी है, एक लास्ट रेस और लगाते हैं फिर चलते हैं कुछ और देखते हैं। सामने गाइज डिफरेंट कार है, पता नहीं कौन सी है, और गाइज पिकअप बन चुका है, दूसरा गियर आ चुका है, और गाइज तीसरा गियर भी लग चुका है, चौथा गियर भी बहुत ही बढ़िया, और गाइज हम ये वाली रेस भी जीत चुके हैं। चलते हैं गाइज, गाइज आ चुके हैं एग्जिट, अब बहुत देख चुके हैं, अब देखते हैं कुछ और कुछ है कि नहीं है। और गाइज इस गाड़ी को थोड़ा सा गाइज मॉडिफाई वगैरह करा देते हैं, बहुत टाइम से नहीं, इसे अभी रहने देते हैं। गाइज चलते हैं इस गाड़ी को लगाते हैं अपने ऑफिस पर और देखते हैं और क्या डेकोरेट कर सकते हैं अपने ऑफिस पे। आ तो चुके हैं इस गाड़ी बैठ के, और इसे एकदम आराम से चलाना पड़ता है। और गाइज ओहो क्या ड्रिफ्ट लगी गाइज, एकदम बेकार थी, कोई मज़ा नहीं आया इस पे। अगर आपको भी मज़ा नहीं आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज इसे ऑफिस को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या डेकोरेशन कर सकते हैं। पहले से ही मैंने इस पे डेकोरेशन कर रखा हुआ है, इसका नेम वेम चेंज कर दिया गाइज, वॉल वगैरह खरीद ली थी और इसमें की डिफरेंट वॉल थी, पर इसमें मज़ा नहीं आया तो दूसरी वॉल लगा देते हैं और देखते हैं गाइज। और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, बस इतना ही था। और गाइज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइज हम क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल 5 ही कार हैं। आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।